टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब क्या चुनना चाहिए? आज के ब्लॉग में थोड़ी सी ये सारी बातें तो होनी है। स्टे होम विथ मी। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की ये जो जंग चल रही है इस पर मैं बात करना चाहूँगी। मेरे कई सारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दी आप अपने व्यूज शेयर करो, एंड डेफिनेटली मैं भी अपने व्यूज यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। अब कुछ दिनों पहले एक प्रैंक वीडियो बन गया था टिकटॉकर्स पर, और वो प्रैंक वीडियो कब मैं इतना बड़ा घमासान में बदल गया वो पता नहीं चला। और अभी आपने देखा होगा कि हर एक यूट्यूबर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर पर अपनी राय या अपने व्यूज़ रख रहा है, रखने भी चाहिए, ठीक है। तो मेरे क्या राय है वो मैं बताऊंगी, बट एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। एक डेढ़ साल पहले मेरी 8 साल की जो बेटी अनिका, उसे टिकटॉक का बहुत बड़ा भूत सवार हो गया था, एंड वो दिन में 4-5-6 टिकटॉक वीडियोज़ तो चुटकी में बना देती थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और आप में से कई सारे लोगों ने तो उसे फॉलो भी कर रखा है, आई नो, और आपने उसकी एक्टिंग स्किल्स भी टिकटॉक वाली देख रखी है। उसी समय मैंने भी 1 या 2 वीडियोस उसके साथ बनाए थे, क्योंकि उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मम्मी आप मेरे साथ टिकटॉक वीडियोस बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, चलो तुम्हारे साथ बना देती हूँ, और मैंने बनाए। बट मुझे मज़ा नहीं आया। जो मज़ा मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाने में आता है, यूट्यूब करने में आता है, वो मज़ा सच में मैं बताऊँ मुझे टिकटॉक के वीडियोस बनाने में नहीं आया। हालांकि टिकटॉक के वीडियोस बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि सेटअप वगैरह काफ़ी आसान होता है। आपको चाहिए होता है एक स्मार्टफोन और कुछ सेकेंड्स बस, और थोड़ा सा आपको देखना होता है कि कौन सी टिकटॉक वीडियोस आजकल चल रही है, वो टिकटॉक वीडियोस थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी से बना दो और हो गया। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि टिकटॉक वीडियोस बनाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे टिकटॉकर्स बहुत एफर्ट करके अपनी टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, जो चलते भी हैं, अच्छे भी लगते हैं हमें देखने में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने में है। यूट्यूब के वीडियोस की लेंथ ज़्यादा होती है और काफ़ी मेहनत है गाइज, यू गाइज एवरीथिंग, लाइक आप सबको सब पता है। बट मेन पॉइंट यही है कि यार टिकटॉक का एक अपना स्टाइल है, टिकटॉक की एक अपनी व्यूअरशिप है, टिकटॉक की एक अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब का एक अपना स्टाइल है, यूट्यूब का एक अपनी ऑडियंस है, यूट्यूब की एक अपनी व्यूज़ है। सो हम दोनों को डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले मूवी के सेलिब्रिटीज़ होते थे, फिर थोड़े सालों के बाद यूट्यूब के सोशल सेलिब्रिटीज़ बन गए, अब टिकटॉक के भी टिकटॉकर्स जो होते हैं वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो इसमें कोई भी मुझे लगता है कि गलती नहीं है। देखिए, हर कोई यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुँचा है, चाहे सेलिब्रिटी हो वो अपनी मेहनत से किसी भी मूवी में एक्टिंग से जान लाते हैं और उस मूवी को और बेहतरीन बनाते हैं। हम यूट्यूबर्स क्या करते हैं, हम हमारी लाइफ दिखाते हैं या हमें जो पसंद होता है वो दिखाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, अपना ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं। टिकटॉकर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पर हर एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर ऑडियंस तक डिफरेंट है। अब बस इतना मुद्दा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसे देखोगे, करोगे, नहीं है तो उसे ना ही देखोगे ना ही करोगे। मैं टिकटॉक ना ही देखती हूँ और ना ही करना पसंद करती हूँ, बट मैं यूट्यूब देखती भी हूँ और यूट्यूब पसंद भी करती हूँ। तो ये मेरी पसंद है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। ऐसा हर किसी का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर हम टिकटॉक अच्छा है या यूट्यूब अच्छा है या टिकटॉक ख़राब है या यूट्यूब ख़राब है कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंस हर जगह काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर नीचे काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि यार थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आपको फील हो कि आप एंटरटेन हो रहे हो वहाँ पर स्टिक हो जाओ, क्योंकि लाइफ में एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा
बोलते ना मायने रखता है। एंटरटेनमेंट से हम लोग फ्रेश रहते हैं, हमें हंसी आती है, हमें बेटर फील होता है। तो अगर आपको टिकटॉक वीडियोस देखकर अच्छा फील होता है तो ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देखकर अच्छा फील होता है तो यूट्यूब ठीक है। तो आपको खुद डिसाइड करना है, किसी ने बोल दिया उसके पीछे आप भाग रहे हो ये गलत है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या देखने में क्या अच्छा लग रहा है। सिंपल है, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। एंड बात रही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, मेरे लिए यूट्यूब बेस्ट है तो मैं तो यूट्यूब ही बोलूँगी, बट मैंने टिकटॉकर को भी बुरा नहीं बोला है। उनका एक अलग तरीका है, उनकी एक अलग ऑडियंस है, सब कुछ अलग है। हमारा एक अलग तरीका है, हमारी एक अलग ऑडियंस है, तो ठीक है, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर मज़े कर रहे हैं। मकसद सबका एक ही है कि कहीं ना कहीं उनकी ऑडियंस को एंटरटेन किया जाए, बस। ठीक है, ये थे मेरे व्यूज़। आई रियली होप कि आप मेरे व्यूज़ से अग्री करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे सही नहीं थे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और चालू करते हैं आज के व्लॉग को। ओके, तो शाम के 7:15 बज रहे हैं, अंधेरा अभी थोड़े ही देर में हो जाएगा, पूरी तरह से अंधेरा अभी हुआ नहीं है। पर आजकल ना मौसम बहुत साफ और काफ़ी अच्छा रहने लग गया है, मतलब जो पोल्यूशन है ना वो अभी फील होता है कि नहीं है वातावरण में। तो सड़कों पर लाइट्स चालू हो गई है और आसमां का कलर देखना, पर्पलिश कलर का दिख रहा है ना, बहुत अच्छा कलर दिख रहा है। और गाड़ियों की आवाज़ वैसी है, मतलब पता चलता है कि भाई मुंबई किसी भी हालत में रुकती नहीं है, सोती नहीं है। थोड़ा सा रफ्तार धीमी हुई है पर थमी नहीं है, ये पता चलता है। मेरे पीछे ये जो आकाश आपको ऐसे अलग अलग शेड्स में दिख रहा है, प्यारा लग रहा है ना। 7:30 बज रहे हैं शाम के, बट हालात चाहे जैसे भी हो, एक चीज़ मुझे एवरीडे मिस करती है तो ये आसमां। ये आसमां मैं सुबह से शाम कितनी भी बार देखूँ मन नहीं भरता। और सेकंड, ये जो अलग अलग कलर बदल जाते हैं, सुबह के समय थोड़ा डिफरेंट होता है, दोपहर में और डिफरेंट, और शाम को तो पूछो मत कितने सारे शेड्स मुझे देखने को मिलते हैं। मैं खुश हो जाती, लाइक आप खुद देखिए, आप किसी भी एंगल से बोल सकते हैं कि ये रियलिटी है। इट फील्स लाइक कि किसी ने मेरे पीछे पेंटिंग की है, मतलब यार कितनी सारी इंस्पिरेशन मिलती है ना इन सारे कलर्स से, इन सारी ब्यूटीफुल थिंग्स से। और हाँ, मेरे घर में फ्लावर्स देख रहे कितने सारे लगे हैं। बस ये छोटी छोटी खुशियों के ही भरोसे ये लॉकडाउन कट रहा है। पर ये आसमां भी चला जाएगा, ज़्यादा देर का मेहमान है नहीं, और फिर यहाँ पर अंधेरा आएगा, बट सुबह ज़रूर होगी और फिर से ये आसमां के रंग बदलेंगे। तो इससे हमें सीखना है। ठीक है, शाम के खाने में क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ, और अपने घोड़ों को ना जितना तेज़ी से हो सके ना उतने तेज़ी से दौड़ा रही हूँ, जिसे सोच पाऊँ कि शाम के खाने में आज क्या बनाऊँ। गुड, वेरी गुड। तो हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, तो राज बोल रही कि यार अंडा बिरयानी बना दो। अभी अंडा बिरयानी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट जो है उसी से बना देती हूँ। पता है आपको, जब मैं गुड़गांव में थी, मतलब लगभग 6 साल 5 साल पहले, मतलब 4 साल हो गए हैं मुझे मुंबई आकर, तो तब ना गुड़गांव में मैं एक टिपिकल टाइप की बिरयानी बनाती थी। तब ना यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा ऐसी रेसिपी थी भी नहीं अच्छी वाली, जो इजीली हम घर पर बना पाए, बहुत ही मतलब ऐसी थी जो कि बनाने में भी आदमी 100 बार सोचे। तो अभी तो हालात काफ़ी बदल गए हैं, यूट्यूब पर देखो रेसिपी और बना दो, ऐसा हालात है। पर तब ऐसा नहीं था, तब ना सोचना पड़ता था, तब ना वो रेसिपी संजीव कपूर वगैरह वाली ही वहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड की जाती थी, तो इतना नहीं था आसान, बट अब हो गया है। तो तब ना मैं टिपिकल एक अंडा बिरयानी बनाती थी, वो आज मैं बनाऊँगी, काफ़ी डिफरेंट है,
पर आई रियली होप आपको पसंद आएगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे पास सिर्फ चार और चार अंडे हैं, तो चार अंडे और मैं इसमें डालूंगी आलू, तो ये अंडा बिरयानी मिक्स आलू बिरयानी बन जाएगा। गैस बंद, एक सीटी हो गई है, हमारे अंडे उबल चुके हैं, हमारे नहीं मुर्गी के अंडे। ओके, ये दही मैंने घर पर बनाया था और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना थिक बना था। कैमरा प्लीज अच्छे से दिखाओ यार, मेरे टैलेंट को सराहा जाए, मेरे टैलेंट को सराहा जाए। देखिए कितना थिक दही मैंने बनाया है, तो ये दही लगने वाला है इसमें। और हाँ, मैंने ना लास्ट टाइम आलू बिरयानी बनाई थी, याद है आपको, तो ऑनियन फ्राई करके रखे थे, तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है ना गाइस, सबसे पहले मैं लहसुन छील कर रख देती हूँ। तो चावल को धोकर रख दिया है, जिससे अच्छे से ये बाद में बिरयानी में लगे। और इस दही को भी अच्छे से फेंट लिया है, तो टेक्सचर इसका स्मूथ कर दिया है। और इसमें ये कटी हुई पुदीना जा रही है, अगर आपके पास धनिया है तो धनिया और पुदीना दोनों मिक्स कर लीजिएगा। मेरे पास सिर्फ धनिया है, पुदीना है, तो मैंने सिर्फ पुदीना किया है। और मैं इसमें अभी कसूरी मेथी डालूंगी, तो थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, बहुत नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इसे अच्छे से मिलाकर एक साइड रख लूंगी, और प्याज को लंबा लंबा काट दिया है। मैंने ये जो मसाला बनाया है, बिलीव मी, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि ये ग्रेवी ना, अगर इसमें हम लोग कुछ भी डालें, सोयाबीन या आलू या अंडा, बहुत अच्छी लगेगी। मतलब मैं ग्रेवी की बात कर रही हूँ, इस ग्रेवी के साथ ना बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा खाने का, क्योंकि दही और पुदीना और इन सब का जो फ्लेवर उठ कर आया है मसालों का। और ये देखिए, भिगोया हुआ चावल मैं डाल दे रही हूँ, और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इस चावल को मैं इस मसाले में एक बार भून लूँगी और ये चावल चढ़ा दूँगी। और जो मैंने बेसन का घोल बनाया है उससे क्या होगा वो बताती हूँ। तो मैंने एक बिरयानी को राइस कुकर में चढ़ा दिया है,
और जो मैंने अभी बेसन की कोटिंग वाले अंडे और आलू तैयार किए हैं उन्हें ना ये जब हाफ कुक हो जाएगा ना, मतलब इसमें हल्का पानी रहेगा तब मैं डालूंगी, वो भी ऊपर से। और जो फ्राइड ऑनियन है ना वो खाना जब हम सर्व करेंगे बिरयानी तब डालेंगे, ठीक है। तो अब इसे और 10 मिनट लगेगा क्योंकि अभी इसमें बहुत पानी है। तो लगभग 10 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और अंडा। मैं आपको इसे अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर रखा गया है, जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तब मैं आपको ऊपर से अच्छे से दिखा दूंगी। सो बिरयानी अभी पक रही है, मतलब और 5-10 मिनट्स लगेंगे। उसको बहुत अच्छी कुछ भेजा आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, मेरे मोबाइल पर टिंग टिंग बजे, मैंने आपकी फोन अलग रखे थे। सो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखेंगे पिक्चर थप्पड़। थप्पड़ से डर नहीं लगता? किस पैसों से? कैसे? वो पिक्चर में ही नहीं लगता, एक्चुअल में थप्पड़ से बहुत डर लगता है। वही आज दोपहर में भी राज बोल रहे थे कि मुझे प्यार से डर लगता है, तो फिर मैंने दो थप्पड़ ऐसे ही लगाए ना, मुझे नहीं दिया, मुझे थप्पड़ से भी डर लगता है। तो इन रियलिटी गाइस थप्पड़ से भी डर लगता है, वो मूवीज में होता है। बहुत अच्छी वाली कंपन के तैयार होगी ये बता रहे थे। बस 5-10 मिनट्स। पता है कौन सी वाली बनाई है? ये खुशबू से तो मुझे गुड़गांव वाली। हां मैंने वही बनाई है, हमने उसका नाम रखा है, वो अंडा बिरयानी नहीं है, वो गुड़गांव वाली बिरयानी। टेस्टी। जाएगी तो सब करूँगी, तब देखिएगा राशि कैसे एक्सप्रेशन लाते हैं अपने चेहरे पर, तब पता चलेगा। यादें ताज़ा हो गई, यहाँ पर चावल लग गया, यादें ताज़ा हो गई गुड़गांव की, हुई कि नहीं? और थोड़ा सा ना बेसन का जो कोट है ना अंडे के ऊपर जो लगा है, हाँ वो थोड़ा सा मोटा लगा है। गुड़गांव बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरे पास एक भी नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो वो ना चिपक गया सारा। आप क्या करिएगा, थोड़ा सा बेसन गाढ़ा और थोड़ा सा ज्यादा लगाइए। खाने में इतना व्यस्त हो गया कि पंखा चालू है कि नहीं वो भी ध्यान नहीं रहा। अच्छा है ये, मैं तो तंबोला खेला जा रहा है। दो टिकट्स में अर्ली वन ही हुआ है। आधे टाइम तो आधे नंबर आते ही नहीं। स्वीट 16 भी नहीं है और देखते हैं कौन जीतता है। 2-6, 3-5, 35. Still alive 8-5, 85. Nagging wife, all the fives, 55. That's 44. Down deck of cards, deck of cards, 52. Early five, correct and gone. Oh, Raj ka early five. Blind 50. Pehli baar. Pehli baar. Beautiful legs. 1-1. 11. 12 and 13. Year of Independence. 4-7. 47.
वन टिकट कैसे हो गया तुम्हारा भाई? डिफरेंस देखो सेकंड से। प्रियंका लास्ट, सेकंड लास्ट, राजप्रीत सिंह चौथे पे आ गए। इस बार हमारे घर में स्कोर एक बार मैं फर्स्ट, एक बार मैं सेकंड। और अनिका ने फुल हाउस फर्स्ट टाइम जीता है, फर्स्ट टाइम। और कौन सा आया था तुम्हारा? मिडिल लाइन। मतलब कब से खेल रहे यार हम लोग, और पहली बार अनिका का आया है। लास्ट और नहीं, क्योंकि मुझे बर्तन भी धोने। टिकट खरीदो। हाँ लेती। ओके, तो रात के बज रहे हैं 11:20। और अभी अभी बर्तन धोए हैं, ये सारे नहीं, ये शाम के हैं। और अभी ये ऊपर के जो है वो मैंने धोए हैं, और वो कढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि वो ना थोड़ी सी अभी कढ़ाई है, उसे भिगो कर रखा है, तो सुबह 10 मिनट भी नहीं लगेगा उसे साफ़ करने में। अभी क्या है ना, वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, जिसमें खाना वगैरह लगा था वो ड्राई हो गई थी, तो उसे घसने में काफ़ी समय लग जाएगा। बॉटल्स भर लूँ पानी की सोने से पहले। खेलने में ऐसे ही होता है, मज़ा तो बहुत आती है, बट इस तरह से लेट हो जाता है। ओहो, देखते देखते कैसे आंकड़ा बदल गया। रसिया जिस सप्ताह से बढ़ रहा है, रसिया मुझे लग रहा है कि सेकंड पे आ गया है। तो न्यूज़ में आज ऑलरेडी बोलते रहते हैं कि रशिया अप्रैल के शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, और इस समय इतना स्पीड होने वाला है, तो उस स्पीड से चल रहा है ना, तो यूके और रसिया और अमेरिका फर्स्ट टॉप थ्री हो जाएंगे। तो हालात तो आप भी जानते हैं, सब लोग किसने तुमको व्हाट्सएप किया भाई? कौन है तुमको व्हाट्सएप करने वाला? अनिका के व्हाट्सएप नंबर में मैं हूँ, राज है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, और कौन है? बस ना, बस इतने ही है। हाँ, एक फ्रेंड है वैसे, केपी भैया का भी है। हाँ। ओके, तो वो तुम्हारे ताऊ जी हुए, उनका नाम एक्चुअली क्या हुआ होगा, मेरे को लग रहा है वैभव ने सेव किया था। नहीं, सिमी दीदी आई थी ना हमारे घर में। हाँ, अच्छा, ओके। बेबी के व्हाट्सएप नंबर में, वैसे बेबी का मतलब अनिका का कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो हमारा बिजनेस नंबर था एक्चुअली, बट पता नहीं कब मैं वो बिजनेस नंबर अनिका के पास चला गया और अनिका उसे यूज़ करने लग गई। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, पता नहीं चलते और कहाँ की कहाँ चीज़ें पहुँच जाती है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे, इतनी तेज़ धूप है, ऐसे लग रहा है 10 या 11 बजे वाली है। मुंबई की हालत ना सच में दिन ब दिन बहुत ही खराब होते जा रही है। आज सुबह राज एवरीडे देखते हैं कि कितने केसेस आए, क्या है, तो मुंबई के हालात सच में 1700 केसेस एक दिन में आना बहुत बड़ी बात है यार। और हम लोग ना इतने महीनों से जो लॉकडाउन है और कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं ना, वो सारा चीज़ ना बर्बाद कर रहे हैं यार। ये हम लोग जो त्याग कर रहे हैं घर पर बैठकर, और बैठना ही चाहिए क्योंकि तभी हम लोग सेफ रहेंगे, बट कुछ लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, मस्त निकल रहे हैं, टहल रहे हैं। मैंने आज सुबह एक कपल ऐसे भी देखे जो दोनों ट्रैकर पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे और वॉक कर रहे थे। मतलब यार हर कोई वॉक करने आराम से निकल सकता है, बट इसके पीछे का ये जो त्याग है वो इसीलिए कि यार सब लोग सेफ रहे और जल्दी ठीक हो जाए और हम लोग
ये जो सिचुएशन है इसे बहुत जल्दी छुटकारा पा सके। बट सच में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वॉक पर निकल गए ना, यार घर पर भी वॉक कर सकते, घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते, या आपके बिल्डिंग के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते, बिल्डिंग के अंदर ही वॉक कर सकते। रोड पर चलकर वॉक करना यार ये सही नहीं है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं, फाइनेंशियली हर किसी को परेशानी हो रही है और काम हम लोग कर रहे हैं इतना ज़्यादा। देखिए मतलब हमारे पास कोई भी हाउस हेल्प नहीं है, चाहे आप हो मैं हूँ, और हम लोग घर का काम कर रहे हैं उस उम्मीद में कि यार ये संकट कट जाएगा, है ना। बट कुछ लोग ना यार सच में कुछ ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको हमारे रोड की कंडीशन दिखाऊँ ना, तो कुछ लोग ना मुझे इतने दिखते कि ऐसे लगते कि यार ये घर में बैठ नहीं सकते, क्या होगा पता नहीं। बट मुंबई के हालात सच में यार रुलाने वाले हैं। अब ना डर लगने लग गया है, घर में बैठने के बाद भी डर लगने लग गया है कि यार कितने दिन और बैठना पड़ेगा इन कुछ लोगों की हरकतों की वजह से। चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सुबह की शुरुआत थोड़ी फ्रेश हुई थी, बट वो कपल को जब मैंने वॉक करते हुए देखा, वो भी रोड से ऐसे क्रॉस करके इधर के हमारे घर के पीछे के साइड वॉकिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर हम भी जाते थे, बट हम भी इतने मतलब मोर देन अभी 45-50 डेज हो गए कि हम लोग भी नहीं गए हैं वहाँ पर, बट लोग अभी भी मस्त जा रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, घर पर रहिए। सब लोग जो इतना अपना त्याग दे रहे हैं घर पर रहकर, प्लीज़ उसे समझते हुए घर पर रहिए। घर पर रहना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आसान है, बस हमारे देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं ये सोच कर रहिए बस।